तो मुझे लगता है कि जब खुद सरकारों ने या हमारे सिस्टम ने मजबूर किया है कि आप राजनीति में आओ वो होते तो कहीं ना कहीं मेरे लिए और आसानी होती क्योंकि मैं आज किसी से कुछ नहीं बोल पाता हूँ एक पिता के सामने रहकर कुछ भी बोला जा सकता कि इस चीज़ की कमी है इस चीज़ की ज़रूरत है तो वो वो चीज़ें मैं शेयर किसी से नहीं कर पाता हूँ तो अपने अंदर से ही और अब कुछ मित्र बने हैं उन लोगों से शेयर ही कर सकता हूँ बाकी तो पिता तो पिता होते हैं मार्गदर्शन के लिए कहो या जो भी ज़रूरतें हो जिस प्रकार की तो उनसे खुलकर बोला जा सकता पर आज मुझे खुशी है कि पूरे प्रदेश के जो अभिभावक साथ खड़े हैं जो जनता खड़ी है वो मुझे अब लग रहा है कि वास्तव में वो भी मेरे पिता तुल्य है पिता जैसे हैं उनसे मैं खुलकर आज बोल पा रहा हूँ और वो लोग कर रहे हैं आपने सांसद चुन लिया और मोदी जी भी आपने चुन रखे हैं पर क्या जो बहन अंकिता भंडारी का साथ जो अन्याय हुआ उनका हत्याकांड हुआ क्या हमारी सांसद हमने तो अच्छे के लिए चुना था क्या उन्होंने वहाँ जा वो बात उठाई क्या यहाँ पर जितने भी पेपर लीक कांड हुए हैं यहाँ के बच्चों के भविष्य को बेचा गया उत्तराखंड सरकार उसमें सीबीआई जांच नहीं करना चाह रही क्या किसी सांसद ने वहाँ जाके वो मसला उठाया कि उत्तराखंड सरकार सीबीआई जांच नहीं करवाए हम भी यहाँ पर उठाते और आप सेंटर से सीबीआई भेजिए तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं आप पहले तो लगता था कि जो कमल है वो कीचड़ में खिलता है वास्तव में खिलता था और खिला होगा पर जो कमल की पैदावार है वो कम होने लगी अब वो चाहते हैं कि जितना कीचड़ पूरे देश भर में है आज अगर बात करें जो जा रहे हैं वो डर के कारण जा रहे हैं कि उन पर ई और सी बी ना लगे उन्होंने गलत काम किया है तो वो उस कीचड़ को वो भरपूर मात्रा में वहाँ कलेक्ट करके फिर से कमल खिलाने की सोच रहे हैं। और यही उनका एक हथियार है और यही उनकी रणनीति है क्योंकि जब ज्यादा कीचड़ होगा तो ज्यादा कमल खिलेगा और इसीलिए सारे भ्रष्टाचारियों को सबको लाकर अपने उसमें शामिल करके उनके जन सरोकारों के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है और जन सरोकारों की कोई चिंता नहीं है नमस्कार मैं हूँ रमेश भट्ट आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग उत्तराखंड लोकसभा चुनाव में जो सबसे बड़ा आकर्षण है और जिस पर सबसे ज्यादा नजरें टिकी हुई हैं उन कैंडिडेट का नाम है बॉबी पवार बॉबी पवार वो युवा शख्स हैं जिन्होंने एग्जाम में धांधली के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी इसके लिए वो जेल तक गए और आज वो टिहरी लोकसभा से सांसद प्रत्याशी के तौर पे निर्दलीय उतरे हैं यूँ तो उन्हें यूकेडी ने अपना समर्थन दिया है लेकिन क्या सांसद प्रत्याशी बनने के साथ साथ उन्होंने राजनीति में आना क्यों चुना क्या उनकी सोच है इस लोकसभा के लिए और कैसे वो माहौल को देख रहे हैं इन सब पे बात करने के लिए मेरे साथ हैं बॉबी पवार बहुत धन्यवाद बॉबी भाई पहले तो बहुत बधाई आपको आपने बड़ा आ, बड़ा स्टेप लिया है तो पहले से दिमाग में था कि आपको पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है या पॉलिटिकल आ, फोर्स के रूप में आना है या फिर आपको लगा कि नहीं अगर आपको बदलाव लाना है तो आपको पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा देखिए पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने जैसे कहा है कि पॉलिटिक्स में आने का पहले से विचार था या समय ने या परिस्थितियों ने यहाँ लाया है तो मैं आपको स्पष्ट कर दूँ यदि पहले से हमें राजनीति करनी होती तो मेरा ग्रेजुएशन डी जैसे महाविद्यालय से है जहाँ राजनीति बड़ी उच्च स्तर की होती है और मैं स्टूडेंट जब था वहाँ ग्रेजुएशन जब किया तो मैं वहाँ से अपना राजनीतिक करियर शुरू कर सकता था पर मेरे साथ जब स्कूलिंग टाइम पे था जब मैं इंटर में था तो मेरे साथ मेरे परिवार के साथ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिस कारण मेरे मन में दूर दूर तक कहीं राजनीति करने की या राजनीति में आने का कोई विचार नहीं था अच्छा कोई पॉलिटिकल घटना हुई पॉलिटिकल घटना नहीं हुई मैं हम मैं हम पांच भाई बहने और माता पिता थे तो मेरे फादर जो थे जब मैं ट्वेल्थ में पढ़ता था तो उनके एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी और वो बड़ा दर्दनाक हादसा हमारे लिए था जिसमें हमारे गाँव से बारह लोग एक्सपायर हुए थे एक आ, हमारे गांव से दूसरे गांव में सांत्वना देने सभी लोग गए थे और घर के मुखिया गए थे उनमें से वापस लौटते हुए जब गाड़ी खाई में गिरी तो हमारे गांव से बारह जो मुखिया थे सभी परिवार के वो सब डेथ हुई और मेरे फादर भी उसमें थे तो मैं इंटर में था और उसके बाद दो महीने बाद हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम होने थे तो उस घटना ने अंदर से इतना झकझोर दिया था क्योंकि आ, मैं सोच सकता था कुछ और काम भी पर जब उस घटना के बाद जब इंटर हुआ और जब देहरादून पढ़ाई के लिए आया तो दिमाग में केवल एक ही सपना था कि एक आध साल में कहीं मेहनत करके छोटी मोटी नौकरी करके अपने परिवार को संभालूँ तो फिर परिवार को कौन देखता है परिवार को तो उस समय तो फादर थे तब तक उसके बाद फिर मदर है फिर जो खेती वगैरह है उसका है फिर मदर एक हमारे यहाँ बालिकाओं का आश्रम पद्धति स्कूल है वहाँ पर वो कार्यरत है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दैनिक वेतन पर तो उससे भी थोड़ा बहुत चल जाता और मेरा एक सप सपना था कि मैं कुछ छोटी मोटी नौकरी लेके पहले अपने भाई बहनों की तीन बहनें हैं एक और भाई है तो मैं जब आया तो मैंने यहाँ पढ़ाई के साथ साथ मैंने सबसे पहले गार्ड की नौकरी के लिए अप्लाई किया था और मैं अठारह साल का हुआ ही था गार्ड की नौकरी के लिए जो मुझे जगह मिली या जो स्थान था वो यहाँ से चाय बागान जो विकास नगर है वहाँ पर एस डी आर आर एक स्कूल है वहाँ के लिए गया था पर मैं छोटा था अठारह साल का हुआ था डर भी लगता था रात को रुकना पड़ता था वहाँ तो आपने नौकरी ज्वाइन की गार्ड की मैंने ज्वाइन नहीं की फिर मेरे चाचा जी वगैरह मामा जी वगैरह उन्होंने कहा कि पढ़ने में अच्छे हो सब कुछ हो जाएगा हम अभी मदद कर देंगे आपकी पढ़ाई में आप लोग पढ़िए और कहीं अब पेपर निकालिए तो हम जब वहाँ से आए तो इन लोगों ने हमें थोड़ा भरोसा दिलाया सभी ने तो हम पढ़े और जब पढ़े तो कुछ परीक्षाएं दी जब तैयारी अच्छी होने लगी तो उसके बाद जब देखा कि जब परीक्षा परिणाम निकल रहे थे तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो दिखने को मिली वहाँ पर कोई ऐसे ऐसे लोग निकल रहे थे जिनका कोई अता पता नहीं था को, हमने हमारे नज़रों में कई ऐसे लोग निकले जो ट्रक ड्राइवर थे जो जे चलाते थे और उनका सिलेक्शन सरकारी नौकरी के लिए हुआ हम तो उस फील्ड में नए थे तैयारी करने वाले नए थे पर जिन लोगों से हम पढ़ते थे जो सीनियर थे उन लोगों का भी सिलेक्शन नहीं हो रहा था जब इसकी जड़ तक हम गए तो लगा कि एक बहुत बड़ा जो कैंसर है एक भ्रष्टाचार के रूप में वो उत्तराखंड में सरकारी भर्तियों को खोखला कर रहा है तो फिर हमने तैयारी के साथ इस आंदोलन को उठाया और प्रदेश भर से आए लोगों ने हमें जब अध्यक्ष नियुक्त किया तो उसके बाद हमने निरंतर इस पे प्रयास किए और आगे आ, आकर इस पर संघर्ष करके आज वो परिणाम सभी के सामने कि किस प्रकार से उत्तराखंड में युवाओं के भविष्य को बेचा जा रहा था और किस तरीके से चीज़ें चल रही थी तो आज कहीं ना कहीं मुझे इस बात की भी खुशी है कि ईश्वर ने हमें इसलिए चुना था पर जब इसके अंदरूनी और ज़्यादा घुसे तो परीक्षा भर्ती घोटाले ही नहीं जब विभागों के हाल देखे तो विभागों में कमिश्नर खुरी चरम पर है भ्रष्टाचार चरम पर है यहाँ पर आप देख लीजिए कि जिस प्रकार से संसाधनों की लूट हो रही है बहुत सारी चीज़ तो अब मैं आपका ये कहना चाहता हूँ कि जो आपने कहा मैं ऐसा कोई मन नहीं था पर समय और परिस्थितियों ने यहाँ के बिगड़ते हालातों ने उत्तराखंड में जिस प्रकार से चीज़ें चल रही है और यहाँ जो प्रदेश राजनीतिक संकट से जूझ रहा है उन सभी परिस्थितियाँ बन फिर आपकी माता ने आपसे नहीं कहा कि भाभी तू घर का सबसे बड़ा बड़ा है तू कहीं नौकरी कर ले भाई बहनों की शादी तीन बहने उनकी शादी करनी है कैसे हम घर को आगे बढ़ाएंगे कैसे शादी रुका नहीं आपको कि तू ही क्यों आंदोलन में पड़ रहा है मुझे बहुत बार मेरे परिवार का प्रेशर रहा मेरे रिश्तेदारों का प्रेशर रहा यार दोस्तों का प्रेशर रहा कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए तुम सबसे बड़े घर के हो घर चलाना है बहुत सारी चीज़ें हैं तो कहीं ना कहीं फिर उसके बाद मैंने जब मैं सेकेंड ईयर में डी में पढ़ता था तो मैंने टी कटवाई और ये रोजगार मेले जो लगते हैं उस रोजगार मेले के तहत मेरा सिलेक्शन ये रुद्रपुर में एक कंपनी है Uh, उस कंपनी में हुआ था जो ट्रक वग़ैरह बनाती है uh, तो जब वहाँ हुई थी तो वहाँ भी मैं गया पर उन्होंने भी अपनी जो उनके रूल्स थे उन्होंने अपनी कंडीशन रख दी कि चार साल तक आप कहीं नहीं जा सकते चार साल तक uh, आपको बॉन्ड करना पड़ेगा और उस समय में मैं नौकरी के फॉर्म भी भरता था और उन्होंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए कहा था कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हम जमा करेंगे तो मुझे लगा कि अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मैं यहाँ जमा करूँगा तो फिर नौकरी में वहाँ पर अप्लाई कहा है तो वहाँ क्या करेंगे तो उस दिन भी एक दिन ज्वाइन करके अशोका लीलैंड को मुझे छोड़ना पड़ा इतनी बड़ी कंपनी थी और ज्वाइन मैंने अपने हालातों को देखकर किया था परिवार की स्थिति को देखकर मैंने ज्वाइन किया था पर वो कंपनी भी मुझे छोड़नी पड़ी फिर मुझे चाचा जी औरों की और से आश्वासन मिला कि ठीक है अभी एक आध साल और पढ़ लीजिए हम जो होगा हम थोड़ा बहुत करेंगे तो जब सब ने मदद करने की ठानी तो मेरा भी एक ही मकसद था कि कहीं ना कहीं आगे जाकर अपने परिवार को संभालने के लिए एक अच्छी नौकरी पकड़ूँ और अपने लिए कुछ करूँ पर तो अभी जैसे आपने मन बनाया कि मुझे टिहरी से सांसद का चुनाव लड़ना है ये स्वयं से मन था या भ, आ, मित्रों ने कहा या वहाँ के लोगों ने आपसे कहा कि नहीं आप लड़िए आपको राजनीति में आना चाहिए नहीं जब हम लोगों ने काम करना शुरू किया धरातल पर काम किया लोगों के दिलों में जब जगह बनाई लोगों को ये लगा कि ये लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं और आज जिस ईमानदारी को सारे राजनीतिक दलों ने खो दिया है सारे लगभग संगठनों ने खो दिया है लगभग ऐसे लोग जो समाज के सामने कुछ दिखते और, और करते कुछ और है उन लोगों ने इस ईमानदारी शब्द को खो दिया है तो कहीं ना कहीं हमारे समाज को इन इस जनता जनार्दन को लगा होगा कि ये लोग अगर ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस ईमानदारी शब्द को जीवित किया जा सकता है और देखिए योजनाएँ पैसे वगैरह जो है वो तो जनता के टैक्स का ही है पर उस उस पैसे को जनता तक पहुंचाने वाले व्यक्ति अगर ईमानदार होंगे तो कहीं ना कहीं वो पैसा सही जगह पर धरातल पर पहुंच पाएगा तो जनता ने इस प्रकार का जब मन बनाया है मुझे लगता है कि जब हम इस दौर से गुजरे जब बीच में सरकारों ने कम से कम मुझ पर आठ मुकदमे फर्जी मुकदमे चलवा रखे हैं जब मैं नॉमिनेशन फॉर्म भर रहा था तो जो मुकदमों के लिए जगह दी गई थी उससे बहुत भार वो चलेगी क्योंकि आठ मुकदमे और आठ मुकदमे ऐसे नहीं कोई एक दो धारा में है एक एक मुकदमों में सात सात आठ आठ धाराएं लगाई हुई और सारी फर्जी धाराएं हैं तो वो सारा गैप वो क्या एक्स्ट्रा चले गया तो मुझे लगता है कि जब खुद सरकारों ने या हमारे सिस्टम ने मजबूर किया है कि आप राजनीति में आओ क्योंकि आज कह रहे हैं पॉलिटिक्स आपकी चॉइस नहीं थी नहीं थी। आप मजबूर हो गए राजनीति में आने मजबूर नहीं मजबूरी भी नहीं कह सकते देखो पॉलिटिक्स को मैं बुरा नहीं मानता हूँ और राजनीति के लिए मेरे दिल में पहले से ऐसी जगह थी कि हाँ राजनीति सही चीज़ है और इसको सही तरीके से मैं देखता हूँ तो सही नज़रिए से मैं देखता हूँ जैसे आज के लोग हैं कहते हैं कि राजनीति बहुत बुरी चीज़ है तो मैं उस नज़रिए से नहीं देखता हूँ क्योंकि राजनीति तो एक ऐसी चीज़ है जो पूरे प्रदेश और देश को संचालित कर रही है जो बदलाव ला जो, जो बदलाव ला सकती है और जो नीतियाँ हमारे लिए बनती है अगर बॉबी पवार को कुछ करना है या भट्टजी को कुछ करना है तो वो राजनीति तय करेगी कि भट्टजी क्या करेंगे और बॉबी पवार जी क्या करेंगे तो जब सबसे पावर जो है वो राजनीति में है तो बदलाव राजनीति से आए लेकिन कल मैं देख रहा था जब आप नॉमिनेशन भरने जा रहे थे आपकी मदर आपके साथ थी तो उन्होंने कहा कि मैं खुद चलती हूँ या आपने अनुरोध किया कि आप मेरे साथ चलिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए नहीं देखिए मेरा तो मन नहीं था कि मदर जी साथ रहे और वो है पर हमारे जो क्षेत्र से लोग आए थे उन लोगों ने माता जी को भी यहाँ देहरादून लाए और साथ में फिर माता जी आई थी तो हमने माता जी का आशीर्वाद भी लिया मेरे दादाजी आए थे दादाजी का आशीर्वाद लिया तो सब लोगों के आशीर्वाद से और क्षेत्र के सहयोग से और तमाम जो देहरादून में कल घरों से चाहे वो एक्स सर्विस मैन हो बाहर निकल कर आए चाहे वो लोग और आंदोलनकारी शक्तियाँ हो सब बाहर निकल कर आए तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि जिस प्रकार से मैं अपने आप को अकेला सा महसूस करता था पहले इंटर के बाद जो घटनाएं हुई थी उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जिम्मेदारियां आ गई थी और जब पिता का सारा मुझे चाहिए था इंटर के बाद तो वो सारा मुझे आज तक नहीं मिला पर मुझे लगा कि आज भले ही जहाँ भी मेरे पिताजी हो उनकी आत्मा हो तो कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा होगा कि वास्तव में न, मेरे बेटे ने वो नशे की ओर नहीं गया गलत कार्यों की ओर नहीं गया जो कर रहा वो समाज के लिए कर रहा उन्हें लग रहा होगा पर कम से कम मैं ये कह सकता हूँ कि आज भले ही मेरे पिताजी नहीं हैं पर जितने अभिभावक लोग सहयोग कर रहे हैं जितने भी प्रदेश की जो जनमानस है सहयोग कर रहे हैं वो मेरे अभिभावक के रूप में है, मेरे पिता के रूप में आप पिता को मिस कर रहे हैं बिल्कुल देखिए मिस करना ही है एक ऐज होती है कि जब पिता का सहयोग सबसे ज़्यादा जब ज़रूरत रहती है वो इंटर के बाद ही होती है क्योंकि उसके बाद ही सारी चीज़ें हैं तब तक तो हम घर में थे सब कुछ था पर मुझे लगता है कि वो होते तो कहीं ना कहीं मेरे लिए और आसानी होती क्योंकि मैं आज किसी से कुछ नहीं बोल पाता हूँ एक पिता के सामने रहकर कुछ भी बोला जा सकता कि इस चीज़ की कमी है इस चीज़ की ज़रूरत है तो वो वो चीज़ें मैं शेयर किसी से नहीं कर पाता हूँ तो अपने अंदर से ही और अब कुछ मित्र बने हैं उन लोगों से शेयर ही कर सकता हूँ बाकी तो पिता तो पिता होते हैं मार्गदर्शन के लिए कहो या जो भी ज़रूरतें हो जिस प्रकार की तो उनसे खुलकर बोला जा सकता पर आज मुझे खुशी है कि पूरे प्रदेश के जो अभिभावक साथ खड़े हैं जो जनता खड़ी है वो मुझे अब लग रहा है कि वास्तव में वो भी मेरे पिता तुल्य है पिता जैसे हैं उनसे मैं खुलकर आज बोल पा रहा हूँ और वो लोग कर रहे हैं तो अब जब आप लोगों के बीच में जाते हैं तो क्या आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है बिकॉज़ क्या है मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया में आप बहुत आपको बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है लेकिन क्या ग्राउंड में जब आप जा रहे हैं तो क्या लोग वाकई आपको वो रिस्पॉन्स दे रहे हैं जो आप चाहते हैं देखिए जब हम अभी हमने जनसंपर्क यात्रा शुरू की थी प्रेमनगर से शुरू करते हुए सहसपुर विकास नगर चक्राता पुरोला यमनोत्री और इधर सब जगह से हमने लगभग ग्यारह विधानसभाएँ घूमी थी तब तक आचार संहिता लगने के कारण हम कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा तो जिस प्रकार से हम जा रहे हैं और जो लोगों का समर्थन मिल रहा है जो लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये है या उनकी शिकायत ये है कि सांसद क्या होता है आज भी उन्हें नहीं पता सांसद के काम क्या है सांसद के द्वारा काम क्या किए जा रहे हैं या क्या सांसद का क्षेत्र में आना जाना कुछ नहीं वो सब जीरो है इसलिए जनता की शिकायत यह है कि हमें एक ऐसा नेता चाहिए जो उनके सुख दुख में साथ रहें जो उनके बीच खड़ा रहें जो उनके जो वास्तविक मुद्दे हैं उन मुद्दों को आगे आ, आकर उन्हें उठाएं, उनकी बात करें तो जनता को ये लग रहा है कि उन्होंने तीन बार से सांसद जो चुनी हैं कहीं ना कहीं उनका ना तो क्षेत्र में कोई प्रतिनिधि है या ना उनकी कोई क्षेत्र में कोई इस प्रकार की पहुंच है कि जिससे आ, आम जनमानस जो है उनसे डायरेक्टली जुड़ सके या उनसे अपनी बात कह सके अपनी पीड़ा कह सके तो जनता का सबसे बड़ा देखिए आज भले ही लोग पार्टी की बात कर रहे हो कह रहे हैं कि भाजपा इतनी बड़ी पार्टी है और इतने लोग जुड़े हुए हैं इतना बड़ा संगठन है पर खुद भाजपा के लोग इतने परेशान हैं उनके कार्यकर्ता इतने परेशान हैं वो खुद कह रहे हैं कि हम इस बोझ को कहाँ ले जाए आज अगर हम बात कर रहे हैं अगर किसी भी मुद्दे की बात करें हम जनहित के मुद्दों की बात करते हैं दो हज़ार उन्नीस में जिनके बारे में आप कह रहे हैं वो साठ परसेंट से ज़्यादा वोट रहे मैं, मैं मैं वही कह रहा हूँ देखो जो इस प्रकार की चीज़ें होती है भोज ढोने वाली बात होती है मजबूरी में इंसान एक या दो बार उस भोज को ढो सकता है पर आप अगर आजीवन उनके ऊपर वो बोझ डालोगे तो कहीं ना कहीं लोग उब जाते हैं और उससे बाहर निकलने के सोचते हैं और वही वही समीकरण इस समय बन रहा है क्योंकि लोगों को ये पता है कि जो बात हम करेंगे जिस बात के लिए हम लड़ेंगे जिन मांगों के लिए लड़ेंगे वो प्रदेश हित की मांगे हैं जनहित की मांगे हैं उनकी उनसे जुड़ी हुई डायरेक्ट वो चीज़ें हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमने भी जो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो प्रदेश के लिए काम किया है यहाँ के युवाओं के लिए काम किया है यहाँ के इस प्रदेश के लिए काम किया है मैं वही चाहता हूं कि आज प्रदेश की जनता भी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कर ये सोचे कि अगर भ्रष्टाचार को कम करने की कोशिश की गई है तो वो कांग्रेस भाजपा के या किसी अन्य के लिए नहीं वो सबके लिए है अगर उनके बच्चे को बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हम लोगों ने काम किया है तो वो सबके लिए है अगर हम जल जंगल जमीन बचाने की बात कर रहे हैं तो वो किसी दल दल के लिए नहीं वो के लिए है वो सबके लिए हैं तो आज अगर जरूरत ये है कि आपके बीच का कोई व्यक्ति आपकी मांगों को बड़े स्तर पर उठा सके तो जनता को भी ज़रूर ये समझना चाहिए कि उनके बीच में रहने वाला व्यक्ति अगर इस पद पर जाए तो बेहतर इस प्रदेश के लिए और इस क्षेत्र के लिए हो सकता है तो बॉबी बबार कॉन्फिडेंट हैं कि जो पब्लिक उनको रिस्पॉन्स दे, दे रही है वो आखिर तक यानी उन्नीस तारीख को वोट में भी तब्दील होगा मतलब आप कॉन्फिडेंट हैं बिल्कुल देखिए हमें पूरा विश्वास है जिस प्रकार का माहौल है और जिस प्रकार की हमें प्रतिक्रियाएँ आ रही है कि जनता मन बना चुकी है और जिस प्रकार से दोनों राजनीतिक दलों ने राष्ट्रीय दलों ने जिस प्रकार के प्रत्याशी दिए हैं उससे तो डेफिनेटली लगता है कि वास्तव में युवा और मातृशक्ति जिनके बच्चों के भविष्य को बर्बाद किया जा रहा था बेचा जा रहा था वो मातृशक्ति और अभिभावकगण और तमाम आंदोलनकारी शक्तियाँ जिनके अंदर एक नए ऊर्जा का संचार हुआ है कि जिस परिकल्पना को लेकर प्रदेश बनाया गया था वो परिकल्पनाएं अगर स्थापित करनी है उत्तराखंड में वो लड़ाई भले ही उत्तराखंड बनाने के लिए हुई हो पर उनके अंदर ये नए ऊर्जा का संचार हुआ है कि ये लड़ाई ज़रूर उत्तराखंड बचाने के लिए होनी चाहिए बट बॉबी पवार जी मैं आपसे पूछूँ कैंडिडेट की लोकप्रियता हो ना हो लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उनकी अलोकप्रियता के आगे आगे खड़े हो जाते हैं तो आपका मुकाबला केवल कैंडिडेट से नहीं है आपका मुकाबला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से भी कांग्रेस क्योंकि जो भी कैंडिडेट है वो हर जगह यही कह रहा है कि साहब हम तो मोदी जैसे पैसा ला रहे हैं। हम उनके हाथों को मजबूत करेंगे अगर आपने हमें चुना तो देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ ठीक है मोदी जी को आप चुन रहे हैं लगातार चुन रहे हैं और टीरी से भी सांसद चुन रहे हैं मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने सांसद चुन लिया और मोदी जी भी आपने चुन रखे हैं पर क्या जो बहन अंकिता भंडारी का साथ जो अन्याय हुआ उनका हत्याकांड हुआ क्या हमारी सांसद हमने तो अच्छे के लिए चुना था क्या उन्होंने वहाँ जा वो बात उठाई क्या यहाँ पर जितने भी पेपर लीक कांड हुए हैं यहाँ के बच्चों के भविष्य को बेचा गया उत्तराखंड सरकार उसमें सीबीआई जांच नहीं करना चाह रही क्या किसी सांसद ने वहाँ जाके वो मसला उठाया कि उत्तराखंड सरकार सीबीआई जांच नहीं करवाए, हम भी यहाँ पर उठाते तो और आप सेंटर से सीबीआई भेजिए हमारी ज़रूरतें ये है कि उन प्रधानमंत्री मोदी जी के पास बात पहुँचाने वाले भी तक कोई चाहिए अब आम आदमी का डायरेक्ट लिंक तो हो नहीं सकता डायरेक्ट लिंक हो सकता है तो यहाँ पर केवल सांसदों का हो सकता है जो डायरेक्टली मोदी जी से कहें या जो भी और प्रधानमंत्री बने उनसे कहे कहें तो मुझे लगता है कि अगर कोई यहाँ से ऐसी आवाज़ें उठकर कर वहाँ जाएँगी तो मुझे लगता है कि यहाँ की जो जरूरतें हैं जिस प्रकार से जो हमने लगातार कई मुद्दे उठाए हैं भ्रष्टाचार इतने चरम पर है कि आप रात दिन एक भी कर दोगे तब भी वो मुद्दे ख़त्म नहीं होने वाले तो कम से कम मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई ये भाजपा और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को सोचना पड़ेगा अगर तो आपके बच्चों के लिए इस प्रकार के लाभ सरकार दे रही है किसी को एसडीएम बना दे रही है किसी के पत्नी के लेटर पर उनको नौकरी दे रही है किसी के कुछ लेटर पर उनको नौकरी दे रही है तो ठीक है पर अगर आप लोगों के साथ ऐसा नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं इस बात को समझने की ज़रूरत है कि सरकार चाह क्या रही है तो आपका मुकाबला किस से कांग्रेस से बीजेपी से नहीं देखिए मुकाबला सबसे है मुकाबला हमारे विचारधारा से है हम तो चाह रहे हैं कि प्रदेश हित की बात हो और कम से कम जिस प्रकार से जो योग्य व्यक्ति है जो योग्यता रखता है वो कोई अमीर का बच्चा हो गरीब का बच्चा हो मजदूर का बच्चा हो किसान का बच्चा हो अगर वो योग्यता रखता है तो हम तो चाहेंगे कि उसे ही सर सबसे पहले वो चीज़ मिले जिसकी वो योग्यता रखता है पर यहाँ कुछ अलग दिख रहा है यहाँ जिस प्रकार से मैं कहना चाहूँगा कि आउटसोर्स के जो धंधे हैं बैकडोर एंट्री के जो धंधे हैं वो धड़ल्ले से चल रहे हैं अधिकारियों और नेताओं द्वारा अपने लोगों को फिट किया जा रहा है पर सरकार बदलते ही वो सरकारों के गले की हड्डी बन जाते हैं सरकार बदलने के बाद वो आंदोलन पर बैठ जाते हैं कि हमें क्यों हटा रहे हो तो ये बड़ी चिंता है ये उत्तराखंड को चिंतित करने वाले इस प्रकार के विषय आप अगर हमारे यहाँ कहावत है जी, जी। अके, अकेला चना क्या भाड़ फोड़े आप अकेले पूरे सिस्टम को बदलने की बात कह रहे हैं तो अकेले तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे अकेले बदलने की हाइपोथेटिकली मैं कहूँ अगर आप पार्लियामेंटरी बन भी गए तो आप चेंजेस क्या ला पाएंगे बिल्कुल चेंजेस लाएंगे एक, एक लोगों के अंदर विश्वास जागेगा लोग आज लोगों ने आत्मविश्वास खोया है सबसे बड़ी बात है अगर लोगों के अंदर आत्मविश्वास बचा होता तो लोग लड़ते पर लोगों ने आत्मविश्वास जो खोया है हमारे जीतने के बाद वो आत्मविश्वास हर एक उत्तराखंडी के अंदर वापस लौटेगा और वो ये सोचेंगे कि ऐसा हो सकता है और जब ऐसा हो सकता है तो लोग बॉबी पंवार ने बॉबी पवार के साथ हज़ारों जुड़ेंगे और ऐसे कई बॉबी पवार ग्राउंड में आपको दिखेंगे जब आत्मविश्वास वापस लौटेगा सबसे बड़ी बात आत्मविश्वास की है और जब वो सभी लोग ग्राउंड पर उतरेंगे तो एक बड़ी शक्ति जरूर बनेगी जो प्रदेश के लिए चिंता कर रही है जो प्रदेश की समस्याओं को लेकर चिंतित है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आज समय बदलाव का है और जनता भी बदलाव चाह रही है तो कहीं ना कहीं मैं ये चाहता हूँ कि अगर कांग्रेस भाजपा अन्य और सभी लोग जो भी प्रदेश के हित में चिंतित है उन लोगों को समझना चाहिए कि अगर वास्तव में हमने एक सांसद टीरी से ऐसे भेज दिए जो सरकार किसी की भी हो सेंटर में जो खुलकर वहाँ बोल सके अगर कोई घटना घटित हो रही है अगर प्र, प्रदेश सरकार उसका संज्ञान नहीं ले रही है तो देश की संसद के अंदर वो बात गूंजे तो मुझे लगता है कि इससे बढ़िया मौका अभी और कोई नहीं हो सकता तो आत्मविश्वास है कि आप पार्लियामेंट में धाड़ेंगे बिल्कुल धाड़ेंगे और इतना धाड़ेंगे कि जो आज तक हम लोगों ने जो झेला है जिस प्रकार की मानसिक उत्पीड़न हमारा किया है जिस प्रकार से शोषण किया है उन सभी मुद्दों को लेकर जरूर धाड़ेंगे क्योंकि तो आज आप देख रहे हैं कि भले ही प्रदेश का जो गठन हुआ था किन परिस्थितियों में कैसे शहादत देकर किस प्रकार से हुआ क्या परिकल्पना थी आज वो कुछ दिख नहीं रही है तो मुझे लगता है कि 24 वर्षों बाद ही सही पर अगर प्रदेश के अंदर ये ज्वाला फिर से आ, आई है इस प्रकार की चिंगारी फिर से आई है, तो इससे कहीं ना कहीं कम नहीं होने देना ये ज़िम्मेदारी सभी प्रदेशवासियों की है एक और बात मैं जो आपसे जानना चाहता हूँ कि भी ये भी सुनाई दे रहा था कि आप कांग्रेस के टिकट पर टिहरी से मैदान में हो सकते हैं तो आपने अप्रोच करने की कोशिश की कांग्रेस पार्टी को देखिए हमने अप्रोच करने की कोशिश तो नहीं की पर कांग्रेस के कुछ लोगों ने अप्रोच किया था कि आप ऐसा कर सकते हैं और उनका तर्क ये था कि देखो ऐसा होता है कि आप किसी भी पार्टी से जाओ अगर आप जीत के जाओगे तो कम से कम अपनी बातें रख पाओगे लड़ाई लड़ पाओगे तो कुछ लोगों ने अप्रोच किया था हमने कहा कि अगर ऐसा है तो देख लेंगे हमने ये नहीं कहा था तो हमने कहा पर फिर पार्टी की अंदरूनी ताकतें पार्टी की अंदरूनी चीज़ें क्या चलती है क्या है वो कोई बड़े बड़े लीडर है सब कुछ है तो वो वो कोई नहीं चाहेगा कि, कि कोई आया कोई नया लड़का आके उनकी राजनीति को ख़त्म कर दे या उन पर भारी पड़ जाए बहुत सारी चीज़ें पार्टी के अंदर ये चीज़ें चलती रहती है इसलिए मैं एकला चलो वाले लड़ा तो आप में... कह रहे थे आप मन बना रहे थे कांग्रेस पार्टी से लड़ने का लेकिन कांग्रेस के अंदर कुछ ऐसे लीडर थे जो नहीं चाहते थे बॉबी पवार आए क्योंकि हो सकता है उनकी जमी जमाई राजनीति को आप कमज़ोर करते बिल्कुल यही सब था परंतु मैंने पूरी तरह से भी ये नहीं कहा था कि हम करेंगे ही हमने उन लोगों के जो हमारे शुभ चिंतक थे पर वो कांग्रेस के थे उन्होंने इस प्रस्ताव को रखा था तो हमने उनका मन रखने के लिए दिल रखने के लिए कहा था कि ठीक है जैसी भी चीज़ें होंगी हम देखेंगे पर आज जो परिस्थितियां हैं आज मुझे लगता है कि अब अलग लाइन खींचकर जो हम चल रहे हैं वो अलग लाइन अगर रहे तो बेहतर है तो आपको यूकेडी ने समर्थन बाहर से दिया या आपने यूकेडी को अप्रोच किया कि साहब आप, आपका समर्थन चाहिए नहीं देखिए इस दौरान बहुत से संगठनों और बहुत से राजनीतिक दलों से संपर्क हुआ क्योंकि उन्होंने बिठाया सब ने चर्चा परिचर्चा हुई कि आगामी लोकसभा चुनाव है उसमें क्या होना चाहिए किस प्रकार से होना चाहिए कई दलों ने कहा कि हमारे दल में सम्मिलित होकर आप आइए और लड़िए कई लोगों ने किया तो हमारे जो समर्थक थे जो टीमें थी सबसे इस पे गहन चर्चा हुई और अंततः ये निर्णय निकला कि जो प्रदेश हित चाहता है जो दल जो संगठन प्रदेश हित चाहता है अभी किसी के सिंबल पर नहीं लड़ पाएंगे परंतु जो वास्तव में प्रदेश हित चाहता और चाहता है कि उत्तराखंड के अंदर एक नया बदलाव आए तो अभी फिलहाल बॉबी पवार टीरी से निर्दलीय लड़ेंगे और उनके समर्थन में जो आ सकता हुआ है वो आए तो फिर यू से वार्ता हुई तो उन्होंने पहले टिकट से लड़ने का आग्रह किया परंतु ऐसी कुछ संभावनाएं बन नहीं पाई कि हम टिकट से लड़ें तो अंततः यूकेडी ने चार सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित करके पाँच ही सीटों पर हम के हमारे लिए आ, समर्थन दिया तो मैं यूकेडी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं इसके अलावा कुछ और राजनीतिक दल जो क्षेत्रीय दल हैं वो भी कुछ कैंडिडेट अपने जारी कर रहे थे उनके नाम जारी कर रहे थे तो उनके भी फ़ोन कॉल और उनके, उनके उनसे भी लगातार संपर्क है वो भी आजकल में ही हमें समर्थन दे देंगे क्योंकि कहीं ना कहीं जो आज तक एक बड़ी चुनौती लगती थी कि एक छतरी के नीचे नहीं आ पाएंगे तो वो बड़ी चुनौती थी परंतु आज शायद अगर एक फेस उनके सामने है तो मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक दल अपना समर्थन देकर इस लड़ाई को मजबूत करने की और बढ़ रहे हैं अगर मैं आपसे जानना चाहूँ आप ये संकेत दे रहे हैं कि परिस्थितियां कुछ भी हो बॉबी पवार बीजेपी या कांग्रेस में फ्यूचर में नहीं जाएंगे बिल्कुल अब ऐसा ही समझो नहीं नहीं ही समझो नहीं आपका मन क्या कह रहा है मन नहीं है मन क्या करना है अब सीधे तौर पर जो लड़ाई शुरू कर दी है और जिस प्रकार का समर्थन हमारे लोगों का मिल रहा है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर यही समर्थन लोगों का रहता है तो ज़रूर हम इस प्रदेश के राजनीति में इस प्रदेश के लिए एक नया इतिहास लिखने का काम करेंगे और जो लंबे समय से प्रदेश की जनता या प्रदेश के जो शुभचिंतक हैं वो एक नया जिस प्रकार से एक इतिहास देखना चाहते हैं या कुछ नया देखना चाहते हैं वो करने की पूरी कोशिश करेंगे तो आप कह कहें आप, आप आप एक तीसरे उत्तराखंड में तीसरे विकल्प के झंडा बर्दार बनेंगे देखिए अभी तो तीरी संसदीय क्षेत्र में तीसरे विकल्प के रूप में बनी गए हैं तो अगर लोगों का समर्थन और प्यार इसी प्रकार से मिलता रहे तो उत्तराखंड में भी जरूर बनेंगे लेकिन अब आप पॉलिटिक्स करेंगे चाहे नतीजे चाहे कुछ भी हो नहीं देखिए अब तो हमने लाइन अलग खींच दी है ना जब तक तैयारी करते थे तब तक हमारा रूटीन रहता था कमरे से कोचिंग कोचिंग से कमरा कमरे से कोचिंग कोचिंग से कमरा यही रूटीन था पर अब जब राजनीति करेंगे तो अपना सुबह हम निकल जाते हैं जनता के बीच में कभी कहीं पर पहुंच जाते हैं कभी कहीं पर पहुंच जाते हैं और ये मैं विश्वास हर देकर आया हूं जब जब जहां जहां मैं गया क्षेत्र में कि अब बॉबी पवार के चुनाव के परिणाम कुछ भी रहे पर ताम्र मरते दम तक इस प्रदेश के लिए इन समाज के लिए इस जनता जनार्दन के लिए लड़ा जाएगा उनके लिए संघर्ष किया जाएगा जो भी हो जो भी परिस्थितियाँ हो जैसी भी परिस्थितियाँ रहेंगी बॉबी भाई आज की राजनीति बड़ी खर्चीली हो गई है और बिना संसाधन के कहते हैं चुनाव नहीं जीता जाता है तो जाहिर है आपने अपनी इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बताया तो फिर इसको कैसे मेंटेन कर रहे हैं आप देखिए जब हमें चुनाव में आने के लिए हमें जो दबाव बनाया गया वो युवाओं और अभिभावकों के द्वारा या कुछ जो प्रदेश के लिए चिंता करने वाले लोग उनके द्वारा दबाव बनाया गया तो मैंने उनके उस आदेश को माना और चुनावी मैदान में कूदे पर मैं आज यही कहना चाहता हूं कि हम तो एक बिल्कुल मिडिल फैमिली भी नहीं कहेंगे लोअर मिडिल फैमिली से हम आते हैं और चुनावी मैदान में इतने बड़े चुनाव में जहाँ आज धनबल और बाहुबल का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है वहाँ पर इस स्थिति में हम अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं पर हमारे पास मेन पावर है मेन पावर मीन्स हमारे पास यूथ है हमारे पास लोगों का समर्थन है लोगों का प्यार है पर जो वो रिसोर्सेज जो है, चाहे वो संसाधन चाहे अपना जो धन लगेगा चुनाव लड़ने में जो संसाधन लगेंगे उसमें हम कमज़ोर हैं पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने हमें आगे किया है या जो लोग आज प्यार बरसा रहे हैं जो समर्थन कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि मेरा उन्हीं लोगों से निवेदन है कि आप अपने अपने स्तर पर आप लोग ही बॉबी पंवार को चुनाव लड़ाओ लड़ाओगे और बॉबी पंवार आपका ही नेता है और बॉबी पवार आगे जाकर जो भी चुनाव परिणाम रहेंगे आप लोगों के बीच में रहकर ही संघर्ष करने वाले हैं तो मुझे लगता है कि जनता के कैंडिडेट के रूप में हम आए हैं तो जनता ही चुनाव लड़वाएगी ऐसी हमें उम्मीद है टिहरी के चैलेंजेस आपने देखा कई चैलेंजेस हैं जैसे टिहरी बाँध बना जी है ना बहुत सारी अपेक्षाएँ थी और ये तो एक संस्कृति जो है वो जलमग्न हो गई है सबको ही जानता है तो वहाँ की जो इलेक्ट्रिसिटी है आप उसके बारे में जानते हैं वो वहाँ के लोगों के कितने काम आ रही है वहाँ इतना पानी मौजूद है लेकिन वहाँ के लोग आज भी दूसरी जगह से पीने की पानी की व्यवस्था करते हैं शिक्षा का चैलेंज है स्वास्थ्य का चैलेंज है पलायन का चैलेंज है तो कभी आपके मन मस्तिष्क में ही चलता है यार अगर मैं कल के दिन कुछ बना तो मेरे लिए क्या प्रायोरिटीज़ रहेंगी मैं किस तरह के बदलाव लाऊंगा देखिए हम बचपन से ही गांव में रहे हैं और हम बचपन से ही सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं और हम बेहतर तरीके से जान सकते हैं कि क्या चुनौतियाँ हैं और उन्हें कैसे उसका समाधान क्या होना है बात शिक्षा की करें तो वास्तव में हमारी सरकारों ने पहाड़ों में बिल्डिंगें तो बना दी है पर उन बिल्डिंगों में अगर स्कूल की बिल्डिंग है तो शिक्षक रेगुलर नहीं है और जहाँ शिक्षक रेगुलर नहीं होगा वहाँ क्यों पलायन नहीं होगा आप ये बता दीजिए कौन अपने बच्चे को वहाँ पढ़ाना चाहेगा जहाँ रेगुलर शिक्षक नहीं है वो मजबूरी में वो कर्जा लेकर अपने बच्चे को वहाँ से और किसी छोटे कस्बे या शहर में भेज रहा है वो उसकी मजबूरी है आप ये ना समझिए कि लोग पहाड़ों में रहना नहीं चाहते ये एक मजबूरी है और उस मजबूरी को हम समझ सकते हैं हम तो ये कहेंगे कि भाई चाहे बिल्डिंग जो भी बन रही हो केवल वो ठेकेदार के मुनाफे के लिए ना बने केवल वो ठेके के लिए ना बने अगर अस्पताल बन की, की बिल्डिंग बन रही है वहाँ रेगुलर डॉक्टर वहाँ रेगुलर मशीनें जो ज़रूरत की चीज़ें वो हो चाहे वो शिक्षक स्कूल की बिल्डिंग बन रही है वहाँ रेगुलर टीचर हो तो मैं ये समझता हूँ कि लोग जो मजबूरी में पलायन कर रहे हैं वो नहीं करेंगे उसके बाद जो रोज़गार का जो मसला है भले ही हमारे तराई क्षेत्र में इंडस्ट्रियाँ बहुत है और लोग पलायन कर रहे हैं रोज़गार के लिए पर आज जिस प्रकार से हमारे पास जो अपने संसाधन हैं जो प्राकृतिक संसाधन हमारे प्रकृति ने हमें दिए हैं कि आज हमारे पहाड़ों में जिस प्रकार से बागवानी को बढ़ चढ़कर लोग बागवानी को कर रहे हैं इस प्रकार से नकदी फसलें जो हैं इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो भरपूर मात्रा में है तो हम ज़रूर अपने युवाओं को जो हम कह रहे हैं कि रोज़गार की जो हमारी लड़ाई है रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी नहीं है हम ये कहना चाहते हैं कि छोटे छोटे लघु उद्योग जो हैं उनकी स्थापना जरूर पहाड़ों में होनी चाहिए कि जो एक सेपरेट फैमिली जिसे हम कहेंगे कि भाई एक बच्चे के लिए एक फैमिली के जो छोटा बच्चा है उसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत शिक्षा की है और अगर अच्छे स्कूल और रेगुलर शिक्षक वहाँ पर कर देंगे जिस प्रकार से प्राइवेट स्कूलों में बी पास वाले टीचर लगे हुए हैं इग्नू से बी करे हुए या इस प्रकार से जो रेगुलर जिन्होंने नहीं किया वो लगे हुए हैं पर एक वेल well एजुकेटेड और वेल well ट्रेन जो टीचर है जिसने बी भी किया है टी टी भी किया है सब किया है वो सरकारी उसमें जा रहे हैं पर उसको रेगुलर सरकार वहाँ नहीं रख पा रही है इसलिए ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है अगर शिक्षा का ये जो मॉडल है इसको सेट कर दिया जाए तो सबसे पहले बच्चे के कारण माँ बाप पलायन कर रहे हैं वो नहीं करेंगे और माँ बाप का जो रोज़गार या स्वरोजगार का जो वहाँ पर जो चीज़ें होंगी आपने लघु उद्योग अगर स्थापित कर दिए जो प्राकृतिक संसाधन जो भरपूर मात्रा में जो रॉ मटेरियल वहाँ पर है उससे संबंधित अगर वो लघु उद्योग लग जाते हैं तो माँ बापे पलायन नहीं करेंगे वो भी वहाँ पर अपना इस्टेब्लिश वो रह सकते हैं वहाँ अपना स्वरोजगार कर सकते हैं तो हम इन चीज़ों के बारे में चिंता कर रहे हैं आपने टीरी डैम की अगर बात की है तो बड़ा दुख होता है कि आज 24 वर्ष हो गए हैं और हमने जब आंकड़े निकाल कर देखे तो केवल टीरी डैम में उत्तराखंड के हिस्से में 12 परसेंट रॉयल्टी आ रही है कितना बड़ा दुख का विषय है कि आज केंद्र सरकार में भाजपा की सरकार है आज उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है आज उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है इस समय तीन ट्रिपल इंजन है और इस समय इन परिसंपत्तियों को बंटवारे वाले मसले पर हमारी सरकारें आसानी से इसे सुलझा सकती थी और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये हमारा अपना क्षेत्र है और इसमें बारह अगर रॉयल्टी मिल रही है तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है यहाँ हमें हिस्सेदारी चाहिए ये हमारा है क्योंकि वहाँ से हमारे लोगों ने पलायन किया है वहाँ हमने अपनी संस्कृति को खोया है आज अगर कई सालों से बादल फटने की अगर अत्यधिक घटनाएं अगर गढ़वाल क्षेत्र में हो रही है तो टीरी डैम के कारण हो रही है और उसका नुकसान हर समय हम झेल रहे हैं वो और भरपाई कौन कर रहा है मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन परिसंपत्तियों के लिए भी एक बड़ाई बड़ी लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है जो हमारे मस्जिद मस्तिद में है कि हम इस लड़ाई को भी लड़ेंगे पर हमें लोग वहाँ तक तो भेजें हम संसद के अंदर गूंजेंगे कि भाई जब दो भाइयों का बंटवारा हो गया है जो हिस्सा जिस भाई के हिस्से में गया वो तो दूसरे भाई का अधिकार कैसे हो गया भले ही उस समय एक ही प्रदेश था पर जब हिस्सेदारी अलग हुई फिर जो चीज़ें हुई जो अगर ऐसे रॉयल्टी या ऐसे हिस्सेदारी जो परिसंपत्तियां हैं तो क्या पता उस समय सरकार एक थी तो उत्तर प्रदेश में कुछ निर्माण हुए होंगे वहाँ की भी हिस्सेदारी हमें मिले अगर इस प्रकार की चीज़ें हैं तो इसके लिए लड़ना पड़ेगा पर ये जो हम सड़कों पर लड़ रहे हैं इसका बहुत सीमित दायरा है अगर जनता विश्वास करती है और हमें भेजती है तो ऐसे बड़े मुद्दों पर बॉबी भाई दिक्कत ये है एक तरफ राज परिवार है उसका इतिहास है दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी की लोकप्रियता है और तीसरा बीजेपी की इलेक्शनल मशीनरी जो है जो पन्ना प्रमुख हैं जो बूथ कार्यकर्ता हैं जो मंडल में हैं जो जिले में हैं जो स्टेट में हैं फिर दस साल से सत्ता में हैं तो इतना आसान तो आपके लिए चैलेंज नहीं है नहीं देखिए आसान चैलेंज नहीं है पर मैं ये कहना चाहता हूँ वो लोग कौन है वो लोग यहीं के हैं ना किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता हो कोई भी वो चाहे राज परिवार के साथ जुड़ा हो या मोदी जी के साथ जुड़ा हो या राहुल के साथ जुड़े हो या किसी के साथ भी जुड़े हो लोग यहीं के हैं मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ यदि टीरी डैम में आपको हिस्सेदारी चाहिए टीरी डैम में हजारों करोड़ जो रुपए आते हैं जो वहाँ से आता है वो अगर आप लोगों को चाहिए आप लोग उससे मजबूत होंगे तो आप ये ना देखिए कि कौन क्या हो सकता है हम उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे ना आप लोगों को ये लगता है कि पहाड़ों में वास्तव में लघु उद्योग स्थापित होने चाहिए जहाँ पर अगर सेब की बागवानी अत्यधिक हो रही है वहीं पर कुछ ऐसे लघु उद्योग स्थापित कर दें कि वहीं पर उनको उसका चार गुना पाँच गुना दस गुना फ़ायदा हो तो वो लोग साथ दें ना मैं ये चाहता हूं कि जो लोग मजबूरी में पलायन कर रहे हैं देखिए जो तो अपने स्व से पलायन कर रहे हैं वो बात अलग है पर जिन्हें मजबूरी में करना पड़ रहा है स्वास्थ्य के कारण शिक्षा के कारण या जो दूर संचार का जो है उसके कारण या बहुत सारी चीज़ें जो मजबूरी में पलायन कर रहे हैं उनके लिए हम लड़ेंगे ना वो लोग तो तय करें क्योंकि जनता है और जनता जनार्दन सबसे बड़ी ताकत है उनके आगे सारे लोग फेल है आप चाहिए मोदी जी की बात करें राहुल गांधी की बात करें या राजशाही की बात करें किसी की भी बात करें जनता अगर मन बनाएगी कि जो ये चीज़ें हैं वो वास्तव में चिंतन करने वाली चीज़ें हैं और इसमें चिंतन करके एक बार सोचा जाए कि किस प्रकार से चीज़ें हो सकती है तो अगर थोड़ा भी जनता ने सोचा है तो मुझे लगता है कि आप कह रहे हैं ये जो मुद्दे हैं वो आप लोगों के जहन में उतारने की कोशिश कर रहे हैं अभी हम कुछ दिनों में अपना जो आ, मैनिफेस्टो है उसको लोगों के बीच ले जाएंगे और उस आधार पर वोट मांगे जाएंगे। और ये सारे मुद्दे आपके मैनिफेस्टो में बिल्कुल होंगे हो हम चाहे वो भू कानून की बात हो चाहे वो उत्तराखंड के उत्राखन तमाम मसाइल हैं तो, तो वो सारे आपके मैनिफेस्टो में होंगे बिल्कुर। बट एक जो इमेज बनाई जा रही है ना बॉबी भाई की देखिए पंद्रह बीजेपी कह रही पंद्रह हजार लोगों ने इस बीच उनको ज्वाइन कर लिया आप ही की कॉन्स्टिटेंसी से अगर हम विजयपाल पाल सजवान की बात कर लें मालचंद जी की बात कर लें ये सारे लोग जो हैं बीजेपी में जा रहे हैं तो एक तरह का ये माहौल बन रहा है कि सिर्फ एक ही राजनीतिक दल है जहाँ पर आपका भविष्य सुरक्षित है वो बीजेपी है तो इस माइंडसेट से कैसे आप लड़ेंगे देखिए ये भविष्य सुरक्षित नहीं है वो व्यक्तिगत कारणों से वहाँ पर सुरक्षित है जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया होगा जिन लोगों ने गलत काम किए होंगे जिन लोगों ने जनता का पैसा डकारा होगा उन लोगों के लिए उनका व्यक्तिगत भविष्य वहाँ सुरक्षित है उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है जनता के भविष्य से भविष्य को से, से तो कोई लेना देना नहीं है जो लोग जनता के भविष्य को लेकर चिंतित है जो जनता के भविष्य को लेकर संघर्ष कर रहे हैं वो लोग अपनी जगह पर खड़े हैं हमारे खिलाफ़ भी जांचें बिठाई गई हमारे भी खाते खंगाले गए हमारे भी खाते होल्ड किए गए हमारे खिलाफ़ तमाम षडयंत्र करके फर्जी मुकदमे करेंगे हमें भी कई बार धमकियाँ मिली हमें कई बार प्रलोभन दिया पर हम जनता के भविष्य को इस प्रदेश के भविष्य को जानते हैं उसके बारे में हम चिंता करते हैं इसलिए ये ना कहो कि वहाँ पर उनका भविष्य बेहतर है वहाँ पर भविष्य बेहतर नहीं है वहाँ पर आप लाइन अगर आप नाम देखोगे एक लंबी लिस्ट है कितने लोगों का भविष्य बनाया जिन लोगों ने ज्वाइन किया उन लोगों को ख़त्म कर दिया गया है जिन लोगों को लोग मानते भी थे उनको भी आज कई लोगों की नज़रों में नहीं है तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं आप पहले तो लगता था कि जो कमल है वो कीचड़ में खिलता है वास्तव में खिलता था और खिला होगा पर जो कमल की पैदावार है वो कम होने लगी अब वो चाहते हैं कि जितना कीचड़ पूरे देश भर में है आज अगर बात करें जो जा रहे हैं वो डर के कारण जा रहे हैं कि उन पर ई और सी बी ना लगे उन्होंने गलत काम किया है तो वो कीचड़ को वो भरपूर मात्रा में वहाँ कलेक्ट करके फिर से कमल खिलाने की सोच रहे हैं। और यही उनका एक हथियार है और यही उनकी रणनीति है क्योंकि जब ज़्यादा कीचड़ होगा तो ज़्यादा कमल खिलेगा और इसीलिए सारे भ्रष्टाचारियों को सबको लाकर अपने उसमें शामिल करके उनके जन सरोकारों के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है और जन सरोकारों की कोई चिंता नहीं है एक आखिरी सवाल मैं फिर आपसे पूछूंगा परिस्थितियाँ कुछ भी हो जी बॉबी पवार रिजल्ट कुछ भी हो बॉबी पवार कभी भी बीजेपी के संग नहीं जाएंगे कांग्रेस के संग नहीं जाएंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो तीसरे विकल्प का सहारा लेंगे बिल्कुल मैं विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि हम ना तो भाजपा ना कांग्रेस के उसमें जो जाने का है वो नहीं कर सकते क्योंकि जिस प्रकार से चीजें चल रही है जिस प्रकार की चीजें चल रही है तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ये आ, रास्ता ही गलत है तो आपके मन में आ गया ये। मन में में आ आ गया गया ये दोनों ऑप्शन आपने अपने दिमाग आ, से आप निकाल, निकाल दिए हैं है। तो आप तीसरे विकल्प की तरफ जाएंगे बिल्कुल तीसरे विकल्प की तरफ जाएंगे अगर जनता का सहयोग मिला जनता तो का साथ मिला कल नामांकन में जो साथ था उससे कॉन्फिडेंस बढ़ा है बिल्कुल बढ़ा है लोगों ने इतना प्यार दिया है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर वो करंट फिर से पैदा हो गया है जो उत्तराखंड आंदोलन के लिए हुआ था और अब उत्तराखंड आंदोलन उत्तराखंड बचाने का जो मुहिम है ये शुरू हुई है इसके लिए हुआ है चलिए बॉबी भाई मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ बहुत आपको, बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद आपने समय दिया मैं जानता हूँ लोकसभा का चुनाव और इतना व्यस्त समय होता है बहुत आभार आपका तो निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार का साफ कहना है कि ना वो बीजेपी के साथ जाएंगे ना वो कांग्रेस के साथ जाएंगे जो भी चुनौती होगी उसका वो सामना करेंगे और एक तीसरे विकल्प के तौर पर उभर कर आएंगे प्रदेश की राजनीति को स्वच्छ बनाने का उनका ऐलान है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि टिहरी के विकास के लिए उन्हें जो कुछ भी करना पड़ेगा जिस भी रूप में करना पड़ेगा वो अपनी जनता के सुख दुख पे खड़े रहेंगे और हर चैलेंजेस का सामना करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का हमारे इस खास इंटरव्यू को देखने के लिए